इकोलॉजिकल सक्सेशन। In today's lecture, we will be discussing about the definition of ecological succession, the process of ecological succession, its types, the causes of ecological succession, and the process with its mechanism in detail. पता होगा कि what is a community? आपने देखा होगा there is a hierarchy within the living organism. It is from the molecules, then we have got cells, tissues, organs. And then organism. The same way in the ecology, there is also an hierarchical system. It is from the species or the group of individuals which can interbreed among themselves and can produce fertile offspring. अगर हम एक species लेंगे, किसी एक खास area में, फिर देखेंगे कि total organisms कितने हैं उस species के, then it is called a population. इसी तरह अगर पॉपुलेशन लेंगे सारे सारे के सारे पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक योर डिग्री कॉलेज, कितने प्लांट प्लांट स्पीशीज के कितने पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल रैट एक स्पीशीज के कितने पॉपुलेशन है, इसी तरह वी हैव गॉट अगर हमारे पास चिनार ट्रीज हैं तो चिनार ट्रीज एक स्पीशीज के कितने पॉपुलेशन है, तो जितने भी पॉपुलेशन होंगे एक एरिया में उसको बोलते हैं कम्युनिटी. फिर कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, देन वी हैव गॉट बायोम, बायोस्फीयर एटसेट्रा. टुडेस लेक्चर इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी ओनली. अभी क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने कोई एरिया लिया, फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर लिया, कश्मीर में क्या कम्युनिटी सेम रहती है कि या चेंज होती रहती है, दैट इज कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया इज इट स्टैटिक और इट इज डायनेमिक, क्या ये चेंज होती रहती है क्या ये सेम रहती है. द आंसर इज जो कम्युनिटी होती है ये डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में अभी ये कम्युनिटी है इसमें 100 स्पीशीज हैं, एंड कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जो है ये चेंज होता रहता है, नई स्पीशीज पाई जाती है. इस प्रोसेस को जब एक एरिया में कम्युनिटी सेम नहीं रहेगी, कम्युनिटी चेंज होती रहेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, सिंपली इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी एक एरिया में स्टेबल नहीं होती है, इट पासिस थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस. इन जो स्टेजेस होते हैं एक खास सीक्वेंस होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है इट इज जस्ट द चेंज इन द स्पीशीज ऑफ ए कम्युनिटी or the composition of a community in an area and in a specific time. Lekin ye jo time hai ye ek saal nahi hai, do saal, it occurs in hundreds of years or thousands of years. For example agar Kashmir mein agar aapne dekha hoga ki 1 million saal pehle ka community thi aur ab kya community hai, so that has got changed. Jaise evolution hota hai isi tarah community स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी कंपोजिशन जो होती है एक एरिया में, दैट आल्सो गेट्स चेंज्ड ओवर टाइम. लेकिन यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये टाइम जो है इट इज इकोलॉजिकल टाइम स्केल, नॉट दिस आपको कि 10 साल में कोई चेंज है, इट इज नॉट लाइक दैट. तो जनरली क्या क्या होता है कि जो कम्युनिटी जो होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज. एक होता है सिंपल कम्युनिटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. जैसे हम कहेंगे लीनियर फूड वेब्स पहले होते नहीं है, that is called a simple community. Complex में क्या होता है कि complex food webs बनते हैं. तो देखा गया है कि जब भी एक community change होती रहती है, पहली community आती है वो simple होती है and it is replaced by a complex one. So the definition of the ecological succession is nothing but the gradual replacement of one community by the another community for a period of time. लेकिन ये जो कम्युनिटी चेंज होती है इट इज डायरेक्शन, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, जस्ट नोट इट डाउन दैट द कम्युनिटी डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इट इज डायरेक्शन. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले यहाँ पे एक बेयर रॉक थी, इसके बाद इसमें कोई कम्युनिटी थी नहीं, ना कोई प्लांट था, ना कोई एनिमल था. उसके बाद पहले यहाँ पे कुछ लाइकन्स आने लगे, लाइकन को फिर रिप्लेस किया एनुअल प्लांट्स हैं. आप देख रहे हो कि
यहाँ पे जो पहले पायनियर स्पीशीज है, इंटरमीडिएट स्पीशीज और क्लाइमेक्स, देख रहे हो कि डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो टाइम स्केल नीचे लिखी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा घर में या किसी फील्ड में, ये जो आप देख रहे हो जो पिक्चर्स हैं, ये पहली वाली पिक्चर जो है इट इज जस्ट रॉक। यहाँ पे एक रॉक है, इसमें कुछ टाइम के बाद कुछ प्लांट्स, ये दिख रहे हो जो लाइकन टाइप के दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मॉसेस नजर आ रही हैं। दूसरी पिक्चर पिक्चर में भी वेलवेट टाइप के जो प्लांट स्पीशीज हैं, ये एक रॉक पे डेवलप हुए हैं। यहाँ पे आप पहले ये नहीं देख रहे हो कि रॉक थी एंड पहले से ही वहां पे बड़े बड़े चिनार ट्रीज या श्रब्स या ट्रीज डेवलप हुए, तो ऐसे पहले नहीं होता है। पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच आर सुटेबल फॉर दैट हैब वो इनहेबिट करते हैं, उसके बाद थोड़ी मिट्टी वहां पे जमा होती है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, टोपोग्राफी जो होती है एरिया में चेंज होती रही। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हो कि पहले एक रॉक थी, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा जो स्पोर्स आ गए लाइकन्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकन्स, क्रेस्पोस लाइकन्स जो इनहेबिट कर सकते हैं रॉक में, तो ये लाइकन्स आ गए इन्होंने रॉक में इनहेबिटेड किया अपने आप को, तो वहां पे वो ग्रो होने लगे। पहले कुछ मिट्टी थी नहीं, अब जैसी वो इनकी डेथ होने लगी तो जितने भी लाइकन्स का जो मास था वो वहां पर एक्यूमुलेट होने लगा, एंड फिर थोड़ा पानी भी जमा होने लगा। पहले तो बिल्कुल रॉक सरफेस थी, पानी तो गिर रहा था लेकिन वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था लाइकन्स की वजह से। एक तो लाइकन्स की डेथ हो गई एंड उसकी वजह से बायोमास होने लगा, एंड उसी टाइम से इन लाइकन्स जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसकी वजह से अब रॉक भी थोड़ी डिकम्पोज होने लगेंगे। तो आप देखोगे कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे डिकम्पोजन होगा रॉक मटीरियल का, इसी तरह लिविंग बायोमास जो है वो भी बढ़ जाएगा, दैट मींस ऑर्गेनिक मैटर वहां पे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये जो हैबिटेट है इट विल बी स्टेबल फॉर अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल मॉसेस या ट्रब्स। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहले वहां पे लाइकन्स थी वहां पे थोड़ी मिट्टी बनने लगी, उसके बाद से अलग से हर्ब्स आने लगे, उस टाइम के बाद हर्ब्स मर जाएंगे, उनकी वजह से और थोड़ा सॉइल ह्यूमिड हो जाएगा, तो दिस प्लेस विल बिकम सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल श्रब्स आने लगेंगे, उस टाइम के बाद मिट्टी और बढ़ेगी एंड फिर यहाँ पे ट्रीज भी उग सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो बन रहे हैं एक एरिया पे जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट और जस्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे पहले तो लाइकन ही आएंगे, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स आएंगे, ट्रब्स आएंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल आपका फॉरेस्ट एरिया बन जाएगा। तो ये जो चेंज हो रही है ये डायरेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले रॉक सरफेस था, दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ वुडलैंड्स और फॉरेस्ट ट्रीज, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ डायरेक्शनल चेंज, इकोलॉजिकल सक्सेशन है और कम्युनिटी डेवलपमेंट एक डायरेक्शनल चेंज है जहां पे कम्युनिटीज अलग अलग कम्युनिटीज ओवर टाइम आती रहती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, देखिए आप इस पिक्चर में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे पहले एक्सपोज रॉक्स थी, कुछ भी नहीं था, उसके बाद थोड़े थोड़े यहाँ पे जो देख रहे हो लाइकन्स एंड मॉसेस ग्रो होने लगे, उसके बाद और सम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स यहाँ पे एनुअल वीड्स आने लगी, फिर 1000 साल हो गया ये मर गए, मिट्टी वहां पे डेवलप हो गई, सॉइल का जो प्रोफाइल है वो डेवलप होने लगा, इसके बाद दे वर रिप्लेस्ड बाय पेरिनियल वीड्स। उसके बाद कुछ और टाइम हुआ और मिट्टी बन गई, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, उसके बाद दिस एरिया इट बिकेम सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ ऑफ श्रब्स, तो यहाँ पे श्रब्स सब डोमिनेट होंगे और जो बाकी रह गए थे पेरिनियल वीड्स एंड ग्रासेस या एनुअल वीड्स वो खत्म होने लगेंगे। उसके बाद और फिर टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए और 5500 साल हो गए, उसके बाद और मिट्टी डेवलप हो गई, यहाँ पे देखोगे कि यंग पाइन फॉरेस्ट जैसे बन गया, और टाइम हो गया और जिस सेम लैंड था लेकिन दिस लैंडस्केप इज नाउ फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ मैपल एंड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ये जो आप देख रहे हो ये सारी चेंज ये आ रही है एक ही प्लेस में और सम मिलियंस ऑफ इयर्स, जो टाइम गैप है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इट इज द इकोलॉजिकल टाइम स्केल, ये 5 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, ये हजारों इयर्स में होता है।
ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो एक ही एरिया में, पहले कुछ था ही नहीं, उसके बाद अलग अलग कम्युनिटीज डेवलप होने लगी। जैसे यहाँ पे पहले कम्युनिटी फर्स्ट कम्युनिटी भी डेवलप्ड इन दिस एरिया, इट वाज काइंड ऑफ लाइक एंड मॉसेस कम्युनिटी। एक और आ गई, दैट वाज ऑफ एनुअल वीड्स, देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय पेरिनियल एंड पेरिनियल वीड्स। उसके बाद एक और कम्युनिटी डेवलप हो गई, दैट कंसिस्टेड ओनली ऑफ द श्रब। के बाद सिमिलरली एस्पेन चेरी एंड यंग पाइन फॉरेस्ट्स, एंड लास्टली वी हैव गॉट बीच एंड मैपल ब्रॉडली फॉरेस्ट। तो ये जो ट्रेंड्स हो रहे हैं इट इज कॉल्ड सक्सेशन। यहाँ पे आपको याद रखना है जो पहली कम्युनिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक एंड रेन मॉसेस है, क्योंकि पहले इनहेबिटेड कर रहे हैं एक एरिया को, दिस कम्युनिटी इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी, बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। इसके बाद फिर अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं। सो हियर वी कैन सी वी हैव गॉट डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ये जो सीक्वेंस ऑफ ये जो कम्युनिटीज हैं इनको हम बोलते हैं सीर, दिस इज कॉल्ड सीर। एंड द डिफरेंट कम्युनिटीज इट इज दिस आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल लाइक एंड मॉसेस इट इज अ सीरियल कम्युनिटी, एनुअल वीड्स सीरियल कम्युनिटी, एनुअल वीड्स एंड ग्रासेस सीरियल कम्युनिटी, सो एंड सो फोर्थ। These are, मैं फिर से दोहराऊंगा, the sequence of all the communities which are present in an area over period of time, this is called the seer, and the different communities, these are called the serial community. First community, it's called the pioneer community, and the last community which inhabits an area that is called climax community. अब फर्क क्या है कि lichens and mosses, अब देखिए पहले lichens and mosses आ गए, उसके वजह से क्लाइमेटिक चेंज होने लगी, टोपोग्राफी चेंज होने लगी एरिया में, लेकिन लाइकेंस एंड मॉसेस पर फिट नहीं थी उस एरिया की, इसीलिए फिर एनुअल वीड्स जो है बेस्ट सूट करते थे उस क्लाइमेट के लिए। इसी तरह क्लाइमेटिक टोपोग्राफी चेंज होती रही अंटिल जो बीच, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ इस एग्जाम्पल में, बीच और मैपल ब्रॉडली फॉरेस्ट्री जो थे, ये वाली कम्युनिटी जो थी इट वॉज इन इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट एरिया। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल है, इनकी वजह से अब कोई और कम्युनिटी को रिप्लेस नहीं कर पाती, इसलिए इसको कहते हैं क्लाइमैक्स, ये सीक्वेंस का क्लाइमैक्स। इसे दोहरा रहा हूं, जो सीक्वेंस होती है इन सारी कम्युनिटीज की, दिस कॉल्ड सीर, एंड ईच कम्युनिटी इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी। सो हम ये कह सकते हैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इट इज द स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द स्पीशीज इन एरिया with respect to the changing environment. ये एक predictable change है, because हमें पता है कि पहले community कौन सी fit हो सकती है एक area में, उसके बाद कौन आ सकती है। Ultimate aim क्या है इस process का, कि एक area है वहाँ पे ऐसी community होनी चाहिए that must be in equilibrium with the ecosystem and its environment. ये तो मैंने बोल दिया, in an area the sequence of community that undergoes change is called a seer, and each community in the sequence is called a serial community. Coming to the types of ecological succession. जो ecological succession है, इसके बहुत सारी classifications हैं on different parameters. For example, number one parameter is based on starting position. Based on the starting position, we have got four types of succession. Number one is primary succession, and number second is secondary succession. अब ऐसे मान के चलिए कि for example, अगर कोई एक ऐसा area है जो नया बना है, इसमें पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, पहले कोई वेजिटेशन थी नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन एरिया है, माउंटेन क्लिफ है, रॉकी है, इसमें पहले कुछ था ही नहीं, एक नया पॉन्ड बना है, अब उसमें पहले कुछ था ही नहीं, पॉन्ड तो नया बिल्कुल बना है, अगर अब उस जगह पे सक्सेशन होगा, हमें पहले कुछ सॉइल थी ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, दैट मींस कम्युनिटी पहले थी ही नहीं, उस वाले सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले एक आपके स्क्रीन पे पहले एक बेयर रॉक सरफेस थी, कोई लाइफ नहीं थी, इसके बाद कुछ लाइफ आने लगी, वहां पे हो रहा है जहां पे पहले कुछ लाइफ थी नहीं, इस सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसी तरह वी गॉट वन मोर टाइप ऑफ सक्सेशन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। ये वो जगह है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया मार के लीजिए आप, कि जहां पे पहले कम्युनिटी थी, कोई फॉरेस्ट था, इसके बाद क्या हुआ कि फायर हुआ, एयर हो गए, सारी की सारी कम्युनिटी खत्म हो गई, एक कम्युनिटी थी एक एरिया में, उसके बाद कुछ कैटास्ट्रोफ हो गया, फ्लड आ गया, एयर हुआ, उसके या स्नोफॉल हो गई, या बायोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ, या ह्यूमन बीइंग ने वो खत्म कर दिया सारा
इको सिस्टम या सारी कम्युनिटी खत्म कर दी, क्योंकि वो फिर से न्यूड एरिया या बेयर एरिया बन गया। अब वहां पे फिर से सक्सेशन हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्राइमरी सक्सेशन में है वहां पे पहले कोई ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, क्योंकि पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पहले चूंकि कम्युनिटी थी उसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट या सॉइल फॉर्मेशन वहां पे पहले हुआ होता है। अब अगर वहां पे कोई सक्सेशन हो गया जहां पहले ऑलरेडी कोई कम्युनिटी थी, दैट सक्सेशन इज टर्म्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। यहां जैसे यहां पे दिखाया हमने स्क्रीन, ये देख लीजिए आप कि यहां पे पहले बिल्कुल ग्रासलैंड था, उसके बाद आग लग गई, उसके बाद फिर से यहां पे नई कम्युनिटी डेवलप होने लगी। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ तरह। अब एक क्लाइमेटिक, मैंने पहले ही कहा कि जब तक क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज ना हो जाए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज ना हो जाए, तब तक एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस ही नहीं कर सकती। वन कम्युनिटी कैन नॉट रिप्लेस अनदर कम्युनिटी अनलेस द क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट चेंजिंग। क्योंकि पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक को सूट कर रहे थे तो वो इनहेबिट कर रही थी वो कम्युनिटी, इसके बाद क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए एंड नाउ दिस changed environment is suitable for other community, that is why another community जो है, जो दूसरी community है, वो पहले वाली को replace कर रही है। अब जो ये change आ रहा है, जो modification हो रही है environment की, environment में, इसकी वजह से हो रहा है। Based on that factor, we have again two types of ecological succession. Number one is autogenic succession. For example, अगर किसी कोई community है कहीं पे, उस community की वजह से खुद ही change हो रहा है environment, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है दूसरी कम्युनिटी की वजह, दूसरी कम्युनिटी से, इस वाले सक्सेशन को बोलते हैं हम ऑटोजेनिक सक्सेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरिया है उसमें कोई हर्ब्स थे या श्रब्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल चेंज कर दी खुद ही, इसकी वजह से दैट एनवायरमेंटल कंडीशन बिकेम सूटेबल फॉर अदर कम्युनिटी, नई कम्युनिटी आ गई। अब जो ये सक्सेशन है ये खुद ही कम्युनिटी कर रही है, इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन। अगर आप कोई कम्युनिटी है वो खुद कोई रोल इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं कर रही है, बट होता क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल विंड हो, वाटर हो, प्रेसिपिटेशन हो, इनकी वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है एंड फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है कम्युनिटीज का, इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। आपने जो मैंने दिखाया है, जैसे आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी हैव गॉट ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। अब एलोजेनिक सक्सेशन में आप देख रहे हो पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन हुआ है कहीं जगह पे, उसकी वजह से डेथ हो गई, अब वहां पे कोई और कम्युनिटी आ गई, यहाँ पे फिशेज ने कुछ नहीं किया, ये एक्सटर्नल फैक्टर था पोल्यूशन, यहाँ पे ह्यूमन बींग रेस्पॉन्सिबल था, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया वहां पे, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अब दूसरी सक्सेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड बाय यूट्रोफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ऑन स्क्रीन, ऑटोजेनिक सक्सेशन। एरिया था वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया, अलग अलग ब्लूम्स होने लगे, अलग अलग ब्लूम्स की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट डाउन हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट जब डाउन हो गया तो फिशेस हो गई, कम्युनिटी और एक आ गई वहां पे, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। सिमिलरली वी हैव गॉट more types of succession is progressive succession and retrogressive succession. It is dependent on ki pehle kaun si stage thi and last wali stage kaun si hai. Ki direction is kyun ja rahi hai. Whether it is from simple to complex or complex to simple. If in a succession, first community is simple and the climax community is complex, that succession is called a progressive succession. Jaise for example, pehle अभी मैं बोल रहा था लाइकेंस थे एंड लास्टली वी हैव गॉट फॉरेस्ट, तो इस सक्सेशन पहले सिंपल कम्युनिटी आती है एंड लास्ट जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, इस सक्सेशन को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। यूजुअली यही होता है प्रोग्रेसिव सक्सेशन। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ सक्सेशन व्हाट वी कॉल एज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। होता क्या है कि पहले तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी थी, उसके बाद कुछ चेंजेस आ गए, डिटोरेशन आ गया, बैक सक्सेस कॉम्प्लेक्स सक्सेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी रिप्लेस होती है बाय द सिंपल कम्युनिटीज। ये उल्टा हो रहा है बैकवर्ड साइड डायरेक्शन में।
दिस सक्सेशन इज कॉल्ड हेटरोगेसिस सक्सेशन। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है सॉफ्ट वुड ट्रीज पाइनस से हार्ड वुड ट्रीज जो है रिप्लेस कर रही है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसी तरह यहाँ पे डिटोरेशन देख रहे हो कम्युनिटीज की, पहले फॉरेस्ट स्टेज था एंड लास्टली ग्रासेस हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसी तरह अब कौन से हैबिटेट में हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव आल्सो गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन। वी हैव गॉट थ्री फोर टाइप्स ऑफ सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोसियर सक्सेशन वो होता है कि अगर सक्सेशन हो रहा है लेकिन पानी में हो रहा है, वाटर में, एक्वाटिक हैबिटेट में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसियर। इसी तरह अगर मीजार्क, मीजार्क होता है कि अगर सक्सेशन हो रहा है लेकिन इन क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है जहां पे एडुकेट मॉइस्चर कंटेंट था, न ज्यादा ड्राई न ज्यादा मॉइस्चर, जैसे एक्वाटिक हैबिटेट में होता है। अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मीजार्क कंडीशन, एंड ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं मीजार्क सक्सेशन। इसी तरह वी गॉट हेलोसियर। हेलोसियर होता है कि अगर सक्सेशन उस एरिया पे हो जाए जहां पे सॉल्ट कंटेंट जो है सॉइल में या वाटर में ज्यादा, अगर वहां सक्सेशन होता है दैट इज कॉल्ड हेलोसियर। इसी तरह वी गॉट जीरोसियर। अगर जीरी कंडीशन हो, ड्राई कंडीशन हो एरिया में एंड वहां पे सक्सेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड यूरोसियर। फिर जीरोसियर में भी वी गॉट टू एमोसियर एंड लिथोसियर। एमोसियर क्या होता है कि अगर सैंड पे सक्सेशन हो जाए, लिथोसियर में क्या होता है ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स। इसी तरह वी हैव गॉट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीयर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। जैसे हाइड्रोसियर है, ये होता है एक्वाटिक हैबिटेट में, जीरोसियर ड्राई हैबिटेट में, लिथोसियर बेयर रॉक सरफेस में, वी हैव गॉट सैमोसियर ऑन सैंडी एरियाज, हेलोसियर इन सेलाइन सॉइल और वाटर। इसी तरह सिनाइल है। नाउ ये जो सक्सेशन प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स, जो सक्सेशन प्रोसेस है इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मैंने पहले कहा एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉरवर्ड। हेलो सर। हेलो सर, कैन यू प्लीज रिपीट द हैबिटेट सक्सेशन। एंड फ्रेज आस्किंग मी टू रिपीट हैबिटेट। मैं ये कह रहा हूं कि हैबिटेट सक्सेशन होता है कि कौन से हैबिटेट में, कौन से एरिया में, टाइप ऑफ एरिया, टाइप ऑफ हैबिटेट जहां पर सक्सेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हैबिटेट सक्सेशन। डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट सक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर वाटर में सक्सेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ रिवर, देयर इज अ ओशन, वहां पर सक्सेशन, तो एरिया जो है क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट है इसको बोलते हैं हाइड्रार्क, ठीक, एंड सीर को बोलते हैं हाइड्रोसी। इसी तरह मीजार्क सक्सेशन, मीजार्क होता है कि अगर सक्सेशन होता है उस एरिया में जहां पे मॉइस्चर एडवोकेट मॉइस्चर कंटेंट, ये नहीं कि पानी बिल्कुल भरा पड़ा हो, मॉइस्चर कंटेंट हो लेकिन इतना भी नहीं, इट इज नॉट एन एक्वाटिक हैबिटेट। सॉइल मान लीजिए आप मॉइस्ट सॉइल, ऐसे एरिया में अगर सक्सेशन हो दैट इज कॉल्ड मीजार्क सक्सेशन। इसी तरह होता है हेलोसियर, अगर उस एरिया में सक्सेशन हो जहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो उसको बोलते हैं हेलोसियर। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि सॉइल ऐसी होती है, टेक द केस ऑफ वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स वो एरियाज हैं जहां पे मडी सॉइल तो होती है लेकिन उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, अगर इस जगह पे सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड हेलोसियर। अगर आप देखते हो कि वी हैव गॉट ओशन, वहां पे भी सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड हेलोसियर। वाटर कंटेंट बिल्कुल कम हो, जीरी कंडीशन हो, ड्राई हैबिटेट हो, ऐसे एरिया में अगर सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड जीरोसियर। फॉर एग्जाम्पल दो टाइप्स है, थैमोसियर सैंड पे सक्सेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरियाज में ले लो आप, वहां पे सैंडी सॉइल है, सैंड प्रेजेंट है, अगर वहां पे सक्सेशन हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड थैमोसियर। लिथोसियर अगर कोई बेर एरिया में कॉटन क्लिफ है कोई, वहां पे सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड लिथोसियर। इसी तरह वी गॉट वन मोर टाइप ऑक्सिलोसियर, अगर एसिडिक सॉइल्स में, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट सिंपली फॉर योर इन्फॉर्मेशन मस्ट नो दैट कि ऑक्सिलोसियर होता है कि अगर कहीं एसिडिक सॉइल होगी, पता होगा कि वी गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एसिडिक सॉइल्स, एल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल सॉइल्स, अगर कहीं पे एसिडिक सॉइल्स हो वहां पे सक्सेशन हो जाए दैट्स कॉल्ड ऑक्सिलो।
तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टाइप ऑफ सीज है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हो रहा है। हाइड्रोसियर एक्वेटिक हैबिटेट, वी हैव गॉट जीरोसियर ड्राई हैबिटेट, लिथोसियर ऑन बियर रॉक सरफेस, एमोसियर इनिशिएटिंग ऑन सैनी एरियाज, हेलोसियर सलाइन सॉइल और वाटर, सिनाइल होता है कच्ची डेड मैटर पे। तो यहाँ पे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं सबसे, बोलते हैं सिनाइल। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वे अबाउट फाइव मेन स्टेप्स। इसमें एक सक्सेशन कंप्लीट होता है, फर्स्ट इज म्यूटेशन, देयर इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ये आपको बिल्कुल नोट करना है, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर जो टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं। द फर्स्ट कमिंग टू म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है कि किसी एयर का लेयर बनना, क्यूड बनना किसी एयर। किसी एयर का न्यूड बनना या बेयर बनना। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है, तो ये जो सक्सेशन है यू मस्ट नोट डाउन कि ये जो न्यूडेशन है ये प्रोसेस होती है मेनली सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में तो पहले ही न्यूड एरिया है, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है ये मेनली होता है इन द सेकेंडरी सक्सेशन। कोई लाइफ थी पहले, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय, तो डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया और न्यूड एरिया। प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रिशन जो एयर एरिया है ये कैसे बनता है, इसमें वी हैव गॉट थ्री मेन कॉजेस। वन इज टोपोग्राफिक, ठीक। नंबर सेकंड इज क्लाइमेटिक, कोई ग्लेशियर आ गया, ड्राई पीरियड आ गया, स्टॉर्म कोई आ गया। थर्ड होता है बायोटिक, कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया, डिजीज उसका बेटा उनकी वजह से, दैट्स कॉल्ड बायोटिक। कोई भी कॉज हो, अगर कोई एरिया न्यूड बन गया, कोई बियर एरिया बन गया, खाली हो गई, न्यूट्रिशन प्रोसेस। सेकेंड इज इन्वेजन प्रोसेस। इन्वेजन प्रोसेस होता है कि अब कैसे इस न्यूड एरिया में या बेयर एरिया में ऐसी कोई कम्युनिटी पहले डेवलप हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशीज। अगेन वी हैव थ्री स्टेप्स, नंबर वन इज माइग्रेशन, नंबर सेकेंड इज एक्सिस, नंबर थ्री इज एग्रीगेशन। Migration, first coming to migration, as it is concerned, migration जो है, is nothing, migration होता है कि एक एरिया से न्यू एरिया में या बेयर एरिया में कोई। हेलो, यू आर गोइंग फास्ट। ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट करूं। इमेजिन होता है वो तीन स्टेप्स में होता है, migration, ecosis and Now coming to the first step, that is migration. Migration होता है कि अगर कोई एरिया रूट बन गया या एरिया बन गया और वहां पर किसी कम्युनिटी को पहले डेवलप होना है, इसके लिए तो जरूरी है कि वहां पर कोई प्रोपेग्यूल आए जिससे वो बढ़ जाए, प्लांट की ग्रोथ हो जाए। जैसे हम सीड्स का यूज करते हैं या स्पोर होता है फंगस में। अब वहां पर कोई स्पोर आ गया या कोई सीड वहां पर आ गया, तो विंड या ह्यूमन बींग की वजह से भी आ गया। जो ये माइग्रेशन हो रहा है इसको बोलते हैं माइग्रेशन। ये किसी प्रोपेग्यूल का या किसी सीड का या किसी स्पोर का इस बेयर एरिया में आना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन प्रोसेस। जैसे ही वो माइग्रेट हो गया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो है अब इस प्लांट इस स्पीशीज को वहां पे उसको एस्टेब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ड्राई रॉक लिया, तो न्यू का रॉक सरफेस आपने जैसे लिया, आपने उस पर फॉर एग्जाम्पल वीट का सीड, वो तो बिल्कुल उगेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट। तो एक प्लांट को अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर उसका प्रतिकूल एरिया में आ रहा है, देन इट मस्ट जर्मिनेट। जर्मिनेट होने के बाद वो ग्रो भी होना चाहिए और उसके बाद रिप्रोडक्शन भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एस्टेब्लिश हो गया, ये स्पीशीज एस्टेब्लिश। जैसे आपके घर में किचन गार्डन होता है, आपने वहां पे कोई बीज बोया, अब वो बीज आपने बोया, अगर वो उगा नहीं तो दैट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट। अगर वो बीज वहां पे उगा, वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद उसकी ग्रोथ हो गई, तो आप मान लीजिए अगर जर्मिनेट हुआ ग्रोथ ही नहीं हुई, दैट इज ऑल्सो अनसक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट, फेल्ड
एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप कोई सीड ग्रो हुआ, उसने जर्मिनेट किया, फिर ग्रो भी हुआ एंड अल्टीमेटली इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस इन दैट एरिया, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट स्पीशीज इन द एरिया। इस प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना एक स्पीशीज को अपने किसी एरिया में, अपने आप को किसी एरिया में, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन एंड इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द इन्विजन प्रोसेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एक चीज होता है कि अगर कोई प्रोपेगोल या कोई सीड या कोई स्पोर किसी एरिया में, इस एरिया में आ गया या पहले न्यूट्रिशन हो गई थी, इसीलिए जरूरी है कि पहले वो जर्मिनेट करे, वो ग्रोथ भी दिखाए और रिप्रोडक्शन भी करे। अगर इसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो वो खुद तो ग्रो हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम वो डेड हो जाएगा, खत्म, वहां पे कोई कम्युनिटी डेवलप ही नहीं होगी। उसके लिए तीनों प्रोसेस जरूरी है, न्यूट्रिशन भी, ग्रोथ भी एंड रिप्रोडक्शन भी। अगर इसने तीनों प्रोसेस के एरिया में, हम कह सकते हैं कि इट इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशी इन द एरिया इट इज कॉल्ड एक्सिस। तो माइग्रेशन के बाद एक्सिस हो गया, जैसे एक्सिस हुआ उसके बाद क्या होता है कि अब रिप्रोडक्शन हो रही है स्पीशीज की, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो गई तो नंबर होने लगा, नंबर इंक्रीज होने लगा तो दे स्टे क्लोज टू ईच अदर, एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं। Staying together of the individuals of a species is called aggregation process. तो जैसे ही यहाँ पे invasion हो गया, aggregation भी हो गया, इसके बाद क्या होता है कि there is a third more most important step, it is called competition and coexistence. अब जाहिर सी बात है कोई species एक जगह पे inhabit होने लगी तो इनके resources जो है वो common होते हैं, क्योंकि climatic conditions common है। मान लीजिए स्पेस तो सेम ही है, फूड जो है वो भी सेम टाइप का हो सकता है, तो चूंकि रिसोर्सेज जो है कॉमन है, इसकी वजह से जो स्पीशीज एस्टेब्लिश हुई है एक एरिया में, इनके बीच कंपटीशन होता है। कंपटीशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा स्पीशीज, इंट्रा स्पेसिफिक होता है कि एक स्पीशीज में मान लीजिए कोई कस्टोस लाइकनस के ग्रो हो गया, अब कस्टोस लाइकन दो बंदे हैं या पांच इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि उनका फूड हैबिटेट भी सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो उनके बीच कंपटीशन होगा, दैट्स कॉल्ड इंटरस्पीशीज। इंटरस्पीशीज होता है कि अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में किसी रिसोर्स के लिए कंपटीशन होने लगा, दैट्स कॉल्ड इंटरस्पीशीज कंपटीशन। तो जैसे ही कहीं कम्युनिटी कहीं एस्टेब्लिश हो गई तो एग्रीगेशन हो गया उस कम्युनिटी का, देन देयर स्टार्ट्स द कंपटीशन एंड उस कंपटीशन के बाद एक और चीज होती है कोएक्शन। कोएक्शन होता है कि एक स्पीशीज ऐसे दूसरी स्पीशीज, ऑब्वियसली बात है कि इंडिपेंडेंटली तो रह नहीं सकते, तो देयर इज डेफिनेटली सम इफेक्ट ऑफ अ स्पीशीज ऑन अनदर स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, दिस इज कॉल्ड कोएक्शन। अब इन दोनों की वजह से, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो या कोएक्शन हो, उनकी वजह से क्या होता है कि वहां पे दो चीजें हो सकती है। नंबर वन, अगर कोई इंडिविजुअल अनफिट हो तो वो तो वहां से एलिमिनेट होगा, हो जाए। और नंबर सेकंड इज सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। फिटनेस से मुराद यहाँ पे क्या है कि रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए, ग्रोथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ड्यू टू द कंपटीशन एंड कोएक्शन देयर इज एलिमिनेशन ऑफ अनफिट इंडिविजुअल्स एंड देयर इज सर्वाइवल ओनली द फिट इंडिविजुअल्स। तो सर्वाइव वही करेंगे जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी हो, इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है कि कितनी वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में वो सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेंपरेचर कोई 20-30 डिग्री सर्वाइव कर सकता है, कोई ओनली 35 में कर सकता है, कोई 20-40 में कर सकता है। अब जिसका जितना बड़ा रेंज हो उसका उतना इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हो, उतना ज्यादा फिट होगा उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो गया, उसके बाद रिएक्शन होता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में यहाँ पे इफेक्ट होता है इन ऑर्गेनिज्म को ऑन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में ही मॉडिफिकेशन आने लगती है। तो क्या मॉडिफिकेशन होगा एनवायरनमेंट में ड्यू टू द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, इसको बोलते हैं रिएक्शन। क्योंकि एनवायरनमेंटल कम्युनिटी अगर चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है इट विल बिकम अनसुटेबल फॉर द प्रेजेंट कम्युनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइकनेस ग्रो हो रहे हैं,
वहां पे पहले कम्युनिटी कुछ अलग थी, बिल्कुल बेयर रॉक था। अब वहां पे लाइकेंस की वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है, पानी जमा हो रहा है वहां पे। अब एनवायरमेंट चेंज हो गया, अब इस एनवायरमेंट की वजह से क्या होगा कि एनवायरमेंट के लिए सुटेबल ही नहीं है। अब अगर कोई और स्पोर वहां पे आ गया, मान लीजिए कोई हर्ब का या ग्रास का, अब वहां पे ग्रास ज्यादा उगने हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस हो रही है। इट इज ड्यू टू द इट कम्स अंडर द रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई किसी एरिया में, उसकी वजह से एनवायरमेंट पे इफेक्ट, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। जैसे एनवायरमेंट चेंज हो गया तो यही एरिया अब उस खुद की कम्युनिटी के लिए सुटेबल नहीं है, इट बिकम सुटेबल फॉर द नेक्स्ट कम्युनिटी। और वो वहां पे आती है एंड वहां पे उड़ने लगती है, एस्टेब्लिश होने लगती है। कम्युनिटी में चेंज, एनवायरमेंटल चेंज आ गई तो कम्युनिटी बदलती रहेगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा, इट विल कंटिन्यू। ठीक है।